शहीद दिवस पर जानिए मां भारती की आजादी के लिए बलिदान देने वाले भगत सिंह के जीवन की कुछ अनसुनी किस्से। नमस्कार, मैं वैष्णव और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। वैसे तो शहीद आजम भगत सिंह भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम है जिनके बलिदान के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन फिर भी उनके जीवन की कुछ पहलू ऐसे हैं जो आज तक दुनिया के नजरों से छिपे हुए हैं। आज हम उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान देने वाले इन महान क्रांतिकारियों से आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। बता दें, भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब में लायलपुर जिले के बग्गा में हुआ था। भगत सिंह अच्छे वक्ता, पाठक और लेखक भी थे। उन्होंने अकाली और कृति दो अखबारों का संपादन भी किया। उन्हें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, बांग्ला और आयरिश भाषा का अच्छा ज्ञान था। भगत सिंह को फिल्में देखना और रसगुल्ले खाना काफी पसंद था। वे राजगुरु और यशपाल के साथ जब भी मौका मिलता फिल्म देखने चले जाते थे। उनको चार्ली चैपलिन की फिल्में बहुत पसंद थी। बता दें, मासूम भगत के मन में भारत की आजादी और अंग्रेजों से घृणा के बीज बोने वाले उनके अपने चाचा थे। उस समय उनके चाचा अजीत सिंह और श्वान सिंह आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। भगत सिंह लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे, इसलिए भगत के चरित्र पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। उनके मन में अंग्रेजों को लेकर गुस्सा और द्वेष तो पहले ही था, लेकिन 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन में जल रही चिंगारी को आग बना दिया। उन्होंने मात्र 12 वर्ष की आयु में ही लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए। लेकिन जब 1921 में चोरी चोरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया और किसानों का साथ नहीं दिया, तो भगत सिंह को बहुत दुख हुआ। इसलिए उन्होंने गांधी जी का साथ छोड़ दिया और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का हिस्सा बन गए। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम कर दिया। सन 1928 को एक बड़ी घटना घटी जिसने भगत के जीवन को बदल कर रख दिया। दरअसल लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे युवाओं को बेरहमी से पीटा गया, जिससे उनका निधन हो गया। जिसके बाद उन्होंने राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय के मौत का बदला लेने की योजना बनाई। लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने की साजिश रची। हालांकि पहचानने में गलती हो जाने के कारण उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी, जिसके बाद अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेज कर दी और जगह जगह पर अपने एजेंट बहाल कर दिए, लेकिन वीर क्रांतिकारियों को नहीं पकड़ सके। भगत बिना खून खराबे के केवल भारत की आजादी चाहते थे, इसलिए सॉन्डर्स की हत्या के करीब एक साल के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंक और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। साथ ही इस बार उन्होंने खुद को गिरफ्तार हो जाने दिया। भगत सिंह महज 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में अपने साथ ही सुखदेव और राजगुरु के साथ हंसते हंसते देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। इसलिए उनके सम्मान और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए आज यानी 23 मार्च के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद।